अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो नवादा बिहार से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आई हैं। आप लघु कथा, कविता, बाल गीत, बाल उपन्यास आदि लिखती हैं। आप हैं डॉक्टर राशि सिन्हा जी। डॉक्टर राशि सिन्हा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, और मुझे यहाँ पे बुला करके मेरा जो आपने सौभाग्य बढ़ाया इसके लिए आपका बहुत बहुत जी जी स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत राशि जी, हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है आपकी ओर कि आपने लेखन कार्य कब और कैसे और क्यों शुरू किया? मैंने लेखन कार्य बचपन से ही मैं लिखा करती थी जी, और जब बड़ी हो गई तो संवेदनाओं ने अंदर से कहा कि मुझे शब्दों में पिरो। वाह। तो उस आधार पे लेखन कार्य की शुरुआत 2018 से पुस्तक रूप में हो गई। क्या बात है, ये कहें कि आपके पुस्तकों का रूप भी आपकी रचनाओं ने, आपके भावों ने 2018 में शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ राशि जी, हम आगे बढ़ते हैं, क्या आपके परिवार में भी कोई लेखक है? जी बिल्कुल, मुझे लेखन की जो अनुभूति है, लेखन की जो भी मेरे अंदर भाव है वो मुझे मेरी माँ से विरासत में मिली। क्या बात है, वो भी लेखन कार्य करती हैं? जी हाँ बिल्कुल, और उन्हें उसके लिए काफ़ी सम्मान भी मिल चुके हैं। अच्छा, वो किस विधा में लिखती हैं? मूल रूप से वो नाटक लिखती हैं, आकाशवाणी पटना से उनके नाटक प्रसारित होते हैं और कई भाषाओं में रूपांतरित भी हुए। वाह वाह वाह, ये कहें कि आपको ये विरासत में लेखन हासिल हुआ है। और क्या क्या आपको प्राप्त हुआ आपके माता पिताजी से? सबसे बड़ी बात कि उन्होंने मुझे जीवन में अपना निर्माण कैसे करना है साहित्य के माध्यम से, संस्कारों को स्थापित करते हुए शब्दों के माध्यम से नए संस्कारों को कैसे जन्म देना है, क्या बात ये है? सिखाया उन्होंने। क्या बात है, और शायद इसी वजह से आज मैं आपके सामने बैठी। क्या बात है, ये कह सकते हैं कि जो आपने अपने माता पिता से संस्कार संस्कृति सीखे हैं वही आप अपनी भावी पीढ़ी को भी प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और चूंकि आज ये संस्कृति और संस्कार विलुप्त होकर जी समाज को बिल्कुल अंधे कुएं की ओर समर्पित करता जा जी, रहा जी, है जी, जी, तो मुझे लगता है कि क्यों ने मैं अपने शब्दों के माध्यम से संवेदनाओं को आगे कर संस्कार और संस्कृति की स्थापना करके एक नई युवा पीढ़ी का निर्माण करूं। जी जी जी, बस यही मूल कारण है जी। मैंने इसलिए इस प्रश्न को कहा था कि आपने जो आपके संस्कार और आपकी संस्कृति आप भावी पीढ़ी को दे रहे हैं, मुझे सूत्रों से पता लगा था कि आपकी एक बेटी है वो भी कविता रचनाएं लिखती है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बिटिया है द्रिका कुमार जी, और मुझे आजकल ये बहुत खलता है कि जो बच्चे हैं वो गैजेट के पीछे भागते हैं जी, जी, और हमारा जो बचपन है, जो बाल्यकाल है उससे हम बिल्कुल वंचित हो गए हैं जी, तो मैंने जानबूझकर उसको लेखन में डाला नहीं, उसको आकृष्ट किया। क्या बात कि देखो लेखन में आने के बाद मान सम्मान के साथ साथ तुम्हारा स्वनिर्माण कितना आसान हो जाता क्या है। बात है, क्या बात तो है। मैंने इस तरह से उसको जबरदस्ती नहीं लेकिन आकृष्ट तो मैंने किया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक ऐसा परिवेश निर्माण कर दिया जी, अपने घर के माहौल में जी। राशि जी, जैसा कि आपने बताया कि 2018 में आपकी रचनाओं ने पुस्तक का रूप लिया, हर लेखक की पहली पुस्तक के पीछे एक कोई कहानी होती है, कोई राज होता है, आपका क्या राज रहा? बहुत ही भावुक राज है जी। किसी को खोने की जो छटपटाहट बेचैनी की खो न दूं, वो जी, डर जी, जी, अतिशय डर जी, तो वो था ना अविरत सुख है उत्पीड़न, अविरत दुख है उत्पीड़न, तो यहाँ पे अविरत डर था उत्पीड़न जी, जी, तो जी, वो उससे संवेदनाओं ने अंदर से इतनी हिलोरे मारी कि माँ को जाने नहीं देना है। माँ का जन्मदिवस आ रहा था और प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण मन में बस यही भाव आते क्यों जन्मदिवस तेरा आया है। तो मेरे पति देव मुझे बोलते कि इसको लिख डालो जी। मैं रात भर उठ कर रोने लग जाती कि मम्मा चली जाएंगे, पिताजी को खोने के बाद खोना क्या होता है, ये मुझे एहसासों में रच बस गया था। तो मैंने पहले एक कविता लिखी क्यों जन्मदिवस तेरा आया है, ऐसे करते करते मेरी मंजली दीदी हैं ऋचा सिन्हा, वो उन्होंने बोकारो से फोन किया कि तू लिखती रह, वो मुझे प्यार से कबूतरी बुलाती हैं। अच्छा। तो तू लिखती रह और मैंने फिर ढेर सारी कविताएं लिखी और इस तरह से पुस्तक रूप आपके सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत माँ को मोटिवेट करना भी एक मेरा उद्देश्य था। आपकी एक बहन है, आपने बताया कि रुचि, क्या नाम बताया? मेरी दो बहनें हैं और दोनों बहनों को मैं छोटी बेटी की तरह प्यारी। क्या बात है, लेकिन आपने शब्द कहा कबूतरी से संबोधित करते हैं, इसका क्या राज है? मैं बचपन में छोटी छोटी बातों पे कविताओं में ही बातें करती थी जी, और कविताओं में बात करती थी तो वो मुझे कवियत्री न बुलाकर
कबूतरी बुलाते थे, छलांगे मारती रहती थी, फुदकती रहती थी घर में, और कविताओं से सबका सर खाती रहती थी। मुझे खाना है तो दीदी मुझे खाना दो भी, मैं किसी तरह से बात करती थी। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी बहन जी को। हम लोग आगे बढ़ते हैं। राशि जी, आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं? जी, मूल रूप से 4 पुस्तकें प्रकाशित। जी जी जी, हमें उनके नामों से भी आप हमें संबोधन करें। पहली पुस्तक तो मेरी माँ का नाम श्रीमती आशालता सिन्हा है, तो मैंने उनके नाम पे माँ जीवन की आशा रखा। जी। और दूसरी पुस्तक मेरी जो है वो है मुट्ठी भर धूप। जी। तीसरी है द चर्पी बर्ड्स, अंग्रेजी बाल गीत है उसमें। जी, 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 जी। चौथी है आखिर टूटना क्यों। जी। और आपकी कोई प्रकाशाधीन पुस्तकें हैं उनके बारे में भी चर्चा करें। आप लोगों की दुआओं से और पाठक वर्ग के स्नेह आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से 4 पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं। जी। जो अभी इस वर्ष लगभग आ जाएंगी सितंबर अक्टूबर। वाह 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 वाह, क्या अगर उनके नामों का नामकरण भी हो चुका है तो नाम का भी संबोधन कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो चूंकि मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी का निर्माण होना चाहिए, तो मैं बाल साहित्य में लगी रहती हूँ, उसमें भी मैं लगी रहती हूँ। वाह वाह वाह। और तो वो एक बाल कहानी संकलन है, गोरैया की चूचू। जी। और दूसरी है फेमिनिज्म द बिलीफ, स्त्री पक्ष भी रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, स्त्री है और स्त्री का पक्ष नहीं तो बिल्कुल सही है। वो नारियों से चूकना और नारियों को चूकने ना देना, ये बहुत जरूरी है। तो दूसरी कवि जो किताब है वो अंग्रेजी में है, फेमिनिज्म द बिलीफ, वो मुझे लगता है यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को काफी उससे लाभ हो सकता है। शुभकामनाएं आपको। जी। तीसरी काव्य संकलन है वेदना के उच्छ्वास, और एक उपन्यास है। जी। राशि जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि सभी जानते हैं और हमने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं आपको सम्मान करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं, आपको कैसा लगता है? ये आपने बड़ी बात कह दी, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करती हैं, क्योंकि मैं अपनी कलम को बहुत रेंगती हुई महसूस करती हूँ, और मुझे लगता है कि मैं और मेरी कलम, मेरे शब्द हर पल गौरवान्वित हो रहे हैं और एक नई जिम्मेवारियों से मतलब परिचित हो रहे हैं कि अब जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, ये श्रीफल होता है। क्या बात, आपको है? अगर सम्मान मिले तो साहित्यकारों का ये श्रीफल बहुत अच्छा। और ऐसा ऐसा राशि जी कोई संस्मरण हो आपका, आपको सम्मान मिला हो और उसने आपको भावुक किया हो, या दुख दिया हो, या खुशी मिली हो, ऐसा कोई संस्मरण याद है आपको? नहीं, दुख तो नहीं हुआ कभी। एक्चुअली क्या होता है कि जब खुशी भी होती है तो आंसू आते हैं, लेकिन मुझे हर बार आंसू आते हैं। जी। बहुत बार ऐसा हुआ कि असफलता की जो पीड़ा थी बचपन से, हॉस्टल में रहने के बावजूद भी कुछ ना करने की जो दंश था। जी। और होता क्या है कि दंश पैदा कर दिए जाते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया, हालात बन जाते हैं। हालांकि मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ होता है कि वो दंश आप में उत्पन्न कर दिया जाता है। तो उसके बाद जब भी पहला सम्मान जब मिला, और मम्मी वहाँ पर थी, साहित्य गौरव सम्मान राजकीय स्तर पे माँ जीवन की आशा के लिए, तो वो पल अभिभूत करने वाला था, और सच में मेरी आंखों से आंसू आ गए थे क्योंकि मम्मी भी मंच पर थी। वाह वाह वाह। तो वो पल मेरे लिए बहुत, जिन्होंने हमें जीवन दिया और वो वहाँ मौजूद हो और हमें कोई सम्मान मिल रहा है, बाकी सुखद पल होते हैं। बहुत ही बहुत ही बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। राशि जी, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही आपको राजस्थान की एक संस्था है श्री नाथ द्वारा साहित्य मंडल से भी आपको सम्मानित किया गया है भव्य तरीके से, क्योंकि मैं भी वहां से सम्मानित हो चुका हूं। आपको उस सम्मान को पाकर कैसा लगा? बिल्कुल ही अलग सी अद्भुत अप्रतिम अनुभूति थी। क्या बात है, क्या क्योंकि बात है? हर बार सम्मान आपको एक अलग सुखदानुभूति दे जाता है। जी। लेकिन उनका जो तरीका था, जी, आदरणीय श्याम देवपुरा जी का जब फोन आया तो मुझे पहले तो लगा कि क्या मैं सच में सक्षम हूँ, लेकिन वो जो मंच उन्होंने मुझे प्रदान किया, और मैं बता रही हूँ कि 9 राउंड में आपको वो सम्मानित करते हैं मंच पर बिठाकर, आपको सच में वो विशेष अनुभूति होती है। हर बार ऐसा लगता है कि अब आपको अंग वस्त्र दे रहे हैं, कभी लगता है पटका दे रहे हैं, कभी आपको लगता है कि मोतियों की माला दे रहे हैं, कभी श्रीफल दे रहे हैं, कभी कलम, लगता है कि श्रीनाथ जी की बहुत बड़ी तस्वीर से आपको नवाजा जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप वहां से पहले सम्मानित हो चुके हैं। राशि जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप उपन्यास लिखती हैं, लघु कथाएं लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं, बाल गीत लिखती हैं, बाल कहानी, अन्य आप लेखन करती हैं, आपको इन सभी लेखन के बीच में सबसे ज्यादा विशेष या सुखद लेखन किस में महसूस होता है? वैसे तो एक साहित्यकार के लिए सब कुछ लिखना अच्छा होता है। बिल्कुल, साहित्यकार के लिए सभी बच्चे होते हैं सारे, और सब सुखद होते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये मेरी विशेष विधा है।
जैसे कि एक संतान का जन्म होता है जी, वैसे जी, किसी रचना के जन्म की अनुभूति होती जी, है जी, 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 लेकिन जब संतान बड़ा होता है आप उसको अपने सामने विशाल होते देखते हैं, ऐसी अनुभूति मुझे उपन्यास के लिए आती है। लेखक को भी महसूस जी, और वो उपन्यास के लिए आती है। क्या बात है, क्योंकि वो संवेदनाएं जो है बहुत वृहत रूप में आप परोस सकती हैं। आप अगर युग निर्माण की ओर निकले हैं तो युग निर्माण में मुझे लगता है उपन्यास सबसे बड़ा माध्यम है। आप अपनी संवेदनाओं को, भावनाओं को, अच्छी अनुभूति को, बुरी अनुभूति को विभिन्न विभिन्न पात्रों के माध्यम से समाज में युग निर्माण के लिए परोस सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या बात है, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ उपन्यास। राशि जी, आपके दो उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं, उनके बारे में भी कुछ हमें प्रकाश डाले। जी, दरअसल दो उपन्यास हैं, एक मुट्ठी भर धूप और एक आंखें टूटना क्यों। जी, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि मैंने आज से 10 वर्ष पूर्व, मतलब आंखें टूटना क्यों मेरी पहली पुस्तक है जी, जिसको मैंने मुद्रित प्रकाशित नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस फील्ड में भी आना है। जी, जी, जी। ये तो आंखें टूटना क्यों तीसरी पुस्तक है प्रकाशित होने के रूप में, लेकिन लेखन के रूप में मेरी पहली पुस्तक है जी। तो मुट्ठी भर धूप और आंखें टूटना क्यों दोनों ही अलग अलग बिल्कुल क्षेत्र, अलग अलग दिशाओं से आकर के मेरे मन में समाहित हुए और लेखन का रूप लिया। मुट्ठी भर धूप में मुझे, देखिए एक बात तो आप मानेंगे कि आजकल जो समाज असंवेदनशील हो रहा है उसमें नारी चेतना शून्यता सबसे बड़ा मुद्दा है। हम हर समय नारी है, मैं नारी हूँ, मैं सशक्त हूँ का परचम लहराना चाहते हैं और नारियों को नारियों से काट देना चाहते हैं, सबसे पहले दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो मैंने मुट्ठी भर धूप के माध्यम से नारियों को स्थापित करने का प्रयास किया है, उसकी नारी चेतना लौटाने का प्रयास किया है, उनके अंदर की जो सिलन है, क्या बात है, आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास, बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ी सी धूप उनके भीतर जो है वो उससे खिल सके। क्या बात है, क्या बात। और आंखें टूटना क्यों जो है वो मैंने बताया है कि शक्ति तेरे उर बसे जी, तो फिर टूटना क्यों, आखिर टूटना क्यों, क्या बात है। उसमें मैंने सच में नारी को एकल रूप में, बहुत ही शक्तिशाली रूप में, सशक्त के रूप में बताया है कि परिस्थितियां चाहे जो भी हो, अंत में तुम सशक्त बनो और अपने अंदर की कस्तूरी को निकालो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। खुद भी स्थापित हो और उस चेतना को समाज में भी स्थापित करने में इस्तेमाल करो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपके भाव है, बड़े सुखद भाव है सीना जी, आशी जी। हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न मेरा एक, आपकी प्रकाशाधीन पुस्तकें हैं उनके बारे में भी आप हमें कुछ साझा करें। जी, मैंने आपको बताया प्रकाशनाधीन पुस्तकें जो हैं गोरैया की चूचू, तो मुझे बड़ा खटकता है ये बचपन जो गजट के पीछे बर्बाद हो रहा है जी। आप नई पीढ़ी का निर्माण गजट से नहीं कर सकते जी, मोबाइल और लैपटॉप से नहीं कर सकते। नई पीढ़ी का निर्माण संवेदनाओं को लेकर संस्कृति की ओर लौटना, प्रकृति की ओर लौटना, सृष्टि की ओर लौटने के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। हम लोग जब बड़े हुए तो हम लोगों की आंखें खुलती थी चहचहाहट से, हम लोग बाहर दौड़ पड़ते थे तितलियों के पीछे, पंछियों के पीछे, और वो पंछियां विलुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और बच्चे नहीं जानते कि मम्मी गौरैया क्या है, मम्मी गिद्ध जो है वो क्या है, मम्मी उल्लू क्या है, तो इस तरह से टिटहरी क्या है, टिटहरी क्या है। और अभी तो आजकल की जो पीढ़ी है, हमारी छोटी जो युवा नवांकुर पीढ़ी है, उनको ये नहीं पता कि आलू कहाँ से पैदा होता है, मटर कहाँ से, टमाटर कहाँ से पैदा होता है। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत अहम है ये सब्जेक्ट। बिल्कुल, आपने जो आप चूज़ अपनी जो बुनियाद है जी, वो जो जीने की बुनियाद है जी, आप उससे पिछड़ रहे हैं जी, जी, जी। तो मेरी हर बार कोशिश होती है, आप देखेंगे मैं बाल गीत या बाल कहानियों के माध्यम से मैं नवांकुरों को सृष्टि की ओर लौटाने की कोशिश करती रहती हूँ। अच्छा प्रयास। और यही है गौरैया की चूचू भी है, जितने विलुप्त हो रहे हैं पंछी उनको ग्रामीण परिवेश पर ढालकर मैंने कहानियां लिखी हैं, ताकि ग्रामीण संस्कृति भी अब जो अछूती है वो अछूती न रहे। बहुत बढ़िया, बहुत तो मेरी कोशिश ये है। बहुत अच्छी अच्छी दिशा में आपकी लेखनी जा रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राशि जी। चलते चलते हमारा आखिरी प्रश्न है आपसे कि आप ट्रू मीडिया के माध्यम से देश के जो युवा साथी हैं, जो नई पीढ़ी है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर बार ये संदेश देना चाहती हूँ कि दो तीन संदेश है मेरे मन में जी। कि एक तो पढ़ने की जो परंपरा खत्म हो गई है, पढ़ने की परंपरा खत्म होने से हम अपनी संस्कृति से बहुत दूर हो जाते हैं, विहीन हो अपने रहे हैं। संस्कारों से दूर हो जाते हैं, सृष्टि प्रकृति निर्माण कार्य सबसे दूर, हम लपेटे में जीने लगे हैं। वाह,
कि ये जो लपेटे में जीने की संस्कृति नवयुवकों को या बच्चों को नवांकुरों को कि हमें तो सब आता है, इससे दूर हटकर सृष्टि में लौटिए, प्रकृति में लौटिए, जीवन को समझिए, संस्कृति को समझिए और खुद उनके साथ जुड़कर लोगों को जोड़िए, ऐसा खुद का स्वनिर्माण ऐसा कीजिए। मैं चाहूँगी ट्रू मीडिया के माध्यम से, और जितना हो सके पढ़िए, अच्छे साहित्य पढ़िए, मोबाइल और गैजेट है ठीक है उनका जो उपयोग है वहाँ तक कीजिए, लेकिन पढ़ने और संस्कारों को समझने में आप जितना हो सके समय दीजिए ताकि एक नए समाज का फिर से निर्माण हो सके। वाह वाह वाह। और मैं ट्रू मीडिया के माध्यम से अपने कुछ जो हैं जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ जी, उनको बिल्कुल धन्यवाद कहना चाहूँगी। बचपन से लेकर पिता होने के बाद भी पिता ने मुझे बहुत स्नेह, बहुत लाड, बहुत प्यार दिया, लेकिन मेरे जो भैया हैं ऋषि सिन्हा जी, उनकी मैं बहुत ही दुलारी रही हूँ। और मेरे जीवन में अगर मेरे मुझे कुछ फील होता है, मुझे लगता है उनका नाम लेने से मुझे लगता है मेरे जीवन कंप्लीट है। तो उन्होंने मुझे अब पाल पोस कर एक बेटी की तरह बड़ा किया है, तो आज मैं जहाँ भी हूँ उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद कहते हैं ना, जीवन साथी आता है तो जीवन खराब, अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे जो पति देव हैं उनके लिए मैं दो लाइन कहना चाहूंगी। जी 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 बिल्कुल स्वागत। तुम जैसा जीवन साथी हो तो सूरज उग ही जाता है। तुम जैसा जीवन साथी हो तो सूरज उग ही जाता है, तिमिर तिमिर घर घना अंधेरा एक दिन डूब ही जाता है। वाह वाह वाह। तुम जैसा जीवन साथी हो तो सूरज उग ही जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हर बार सपोर्टिव होने के लिए, मेरी मम्मी, मेरी दीदी, दोनों बहनें, माँ पापा, पिताजी, श्री स्वर्गीय श्री गुरु प्रेम प्रकाश सिन्हा जी, सबको मेरी ओर से धन्यवाद। और मेरी जो इन लॉज फैमिली है वो भी बहुत सपोर्टिव है। बहुत बढ़िया। तो सबका बहुत धन्यवाद। मेरी जो दीदी हैं इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। क्या बात। मेरे से पहले वो मेरी उपलब्धियों पे खुश होती हैं। वाह, आप भाग्यशाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बेटी भी बहुत खुश होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्षुधा तृप्ति पूर्ण नहीं हुई, मुझे कोई उपलब्धि ऐसी समझ में नहीं आती, बस जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल राशि जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस लायक समझा ट्रू मीडिया जैसा इतना बड़ा मंच मुझे प्रदान किया हूँ प्रकाश जी, मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ और आपकी सक्रियता को नमन करती हूँ, वो सच में प्रणम्य है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।